जनपद संभल के चंदौसी में यातायात पुलिस ने कार्यक्रम आयोजित करके हेलमेट लगाकर बाइक चलाने वालों को पुलिस क्षेत्र अधिकारी द्वारा फूल देकर सम्मानित किया गया। आज करवा चौथ का त्यौहार पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसी को देखते हुए आज यातायात पुलिस ने यातायात माह के दौरान जनपद संभल की चंदौसी में एक कार्यक्रम आयोजित करते हुए ऐसे लोगों को फूल देकर सम्मानित किया जो कि बाइक चलाते समय हेलमेट लगाए हुए थे। इस विषय में पुलिस क्षेत्र अधिकारी चंदौसी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि इस समय यातायात माह चल रहा है। इसी के मद्देनजर उच्च अधिकारियों के आदेश के अनुपालन में यातायात पुलिस ने एक कार्यक्रम आयोजित करके ऐसे लोगों को फूल देकर सम्मानित किया जो कि बाइक चलाते समय हेलमेट लगाए हुए थे। हेलमेट लगा के चलें और पुलिस अगर हेलमेट लगा हुआ है तो पुलिस किसी को चेक नहीं करेगी और इससे आपकी भी सुरक्षा है जो गाड़ी चलाएगा उसकी भी। अच्छा, आपको आज ट्रैफिक पुलिस और सुमो चंदौसी ने आपको जो है फूल देकर सम्मानित किया है, क्या कहेंगे इसमें? इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पुलिस जो मतलब सम्मानित कर रही है इससे लोगों को जागरूकता बढ़ेगी और हेलमेट भी लगाएंगे। सर ये तो इन लोगों की वो है, ये तो एक जनरल वो है काम हेलमेट पहनना, हमारे मतलब ज़िंदगी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर हम बाइक पे चल रहे हैं, टू व्हीलर वाहन पे चल रहे हैं, तो हमारी सेफ्टी हमारी वो है हेलमेट। अच्छा, आप हेलमेट लगा के चल रहे हैं तो लोगों को बताएंगे हेलमेट लगा के चलें? बिल्कुल सर, मैं तो ये कहना चाहूँगा हर व्यक्ति को, और अगर कोई पीछे बैठता है उसको भी लगाना चाहिए हेलमेट। तो अच्छा, आज आपको जो ट्रैफिक पुलिस ने और चंदौसी सीओ साहब ने सम्मानित कराया गुलाब का फूल देकर, तो क्या कहेंगे पुलिस के लिए? सर मुझे तो बड़ा हर्ष हो रहा है, मुझे बड़ा ताज्जुब भी हो रहा है कि एक छोटी सी बात के लिए, मैं तो ये लोग कह रहा हूँ कि पता नहीं क्या लोगों की समझ नहीं आ रही है इस चीज़ की कि हेलमेट तो हमें लगाना चाहिए। ये कोई हमारी कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, ये तो जनरल। पुलिस के लिए क्या कहेंगे? मैं इन लोगों को कहूँगा मतलब ये काफ़ी चाहते हैं कि लोग ये काम करें, इसीलिए मुझे सम्मानित करा उन्होंने। ये हमारा 1 नवंबर से 30 नवंबर तक यातायात माह चल रहा है, इसमें अपने उच्चाधिकारी को निर्देशों और शासन के निर्देशों का पालन करते हुए हम लोगों ने आज हेलमेट जो पहन के चल रहे हैं फब्बारा चौराहे पे, जो हेलमेट पहन के चल रहे हैं उसको हम लोग सम्मानित कर रहे हैं, और जो लोग नहीं पहने दिखाई दिए उनको भी रोक के उनको इसके बारे में हेलमेट की विशेषता के बारे में बताया जा रहा है कि हेलमेट पहन के चलें, सुरक्षित चलें, कहीं दुर्घटना होती है तो कम से कम उनके सर का बचाव होगा, वो ठीक भी हो जाएंगे, इसलिए इनको जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है।